नमस्कार दोस्तों, मैं जी आप सभी का अपने इस चैनल श्रगुन क्रोशे डीआईवाई में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत सा ये फ्लावर लेके आई हूँ। ये 5 पेटल फ्लावर है और ये बहुत सुंदर लगता है। छोटे बच्चों के जो हेडबैंड्स वगैरह होते हैं उसमें आप ये फ्लावर लगा सकते हैं, या तो फिर हम लोग जो क्रोशे करके जो जूते बनाते हैं उसमें आप इसको लगा सकते हैं। बहुत सुंदर फ्लावर लगता है, बहुत ही प्यारा है, बहुत वर्सेटाइल है। आप किसी भी चीज़ में इसमें किसी भी डेकोरेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने ये मेरा 4 ply यार्न है उसको मैंने लिया है, और इसके साथ में मैंने ये 4 mm का तो मेरा क्रोशे हुक है, मैंने इसको लिया है इसको बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये फ्लावर बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी छोटी सी फ्लावर क्रोशे फैमिली का हिस्सा बनिए। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस फ्लावर को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं, और इस नॉट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे 10 chains करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 chains करने के बाद जो हमारा सबसे लास्ट में जो हमारा ये सबसे पहला वाला अगर देखा जाए तो हमारा सबसे पहला वाला जो चेन है इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग एक स्लिप नॉट लगा लेते हैं। ये स्लिप नॉट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे 20 double crochets करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चेन 3 कर लेते हैं। ये चेन 3 करने के बाद हम लोग यहाँ पे 20 double crochet करेंगे, और उसके लिए हम लोग अपने धागे को क्रोशे हुक के ऊपर लेंगे, क्रोशे को अपने सर्कल से पास कराएंगे, और पहले 2 फंदे और फिर बाद में 2 फंदे। इस तरीके से हमारा ये पहला डबल बन जाएगा, और इसी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हम अपने बाकी के बचे हुए डबल क्रोशेस बना लेते हैं। तो आप लोग इसको कंप्लीट कीजिए और मैं लास्ट में आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। देखिए टोटल मेरे यहाँ पे 19 मैंने डबल क्रोशेस कर लिए हैं, और ये 20 double crochet हमारे जो 3 double crochets था वो होगा। तो यहाँ से 1, 2, 3 crochets हम काउंट करेंगे, और तीसरी चेन के अंदर अपने क्रोशे ऊपर डाल करके हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एक स्लिप नॉट लगा लेंगे, और ये हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद में जो हमारा सेकंड राउंड है, इस सेकंड राउंड में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 1 chain करेंगे, फिर बाद में हम लोग यहाँ पे 5 chains करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो 5 chain है ये हमारा 5 chain स्पेस होगा, और ये जो 1 chain यहाँ पे हमने बनाया है वो हमारा एक सिंगल क्रोशिया होगा। यहाँ से हम लोग 1, 2, 3, ये देखिए 1, 2, 3, 4 हम लोग यहाँ पर से अपने डबल क्रोशे छोड़ेंगे, और 5th double crochet के ऊपर आ करके हम लोग यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरीके से हमारा एक विंडो क्रिएट होगा, फिर बाद में हम वापस से 5 chains करेंगे यहाँ पे, और फिर से हम 4 double crochet छोड़ेंगे, और 5th chain के अंदर आ करके हम लोग अपना एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 5 chain करेंगे, और 5 chain करने के बाद 4 double crochet छोड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, और 5th crochet के अंदर 5th double के ऊपर आ करके हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अपनी 5 windows क्रिएट करेंगे। ये देखिए मेरी पूरी 5 windows यहाँ पे बन गई हैं, और जो हम लोग क्लोज करेंगे, क्लोज करते टाइम पे जहाँ पे हम लोगों का जस्ट बिगनिंग होता है वहाँ पे जाके हम लोग एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम लोग अपने फ्लावर का 3rd round स्टार्ट करेंगे। 3rd round की स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 3 chain करेंगे, 1, 2, 3। ये 3 chains करने के बाद ये जो हमारा यहाँ पे 5 chains के अंदर हम लोग 8 अपना डबल ट्रिपल करेंगे, और डबल ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए अपने क्रोशे हुक के ऊपर धागे को हम लोग इस बार एक इस तरीके से 2 बार लपेटते हैं, और फिर बाद में ये जो हमारा स्पेस है इसके अंदर क्रोशे के अंदर डाल करके धागे को हम लोग बाहर खींच लेंगे। तो अब देखिएगा हमारे क्रोशे हुक के ऊपर 1, 2, 3, 4, 4 हमारे पास पूरे फंदे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन 2 फंदों को नीचे गिराते हैं, फिर धागे को लेके इन 2 फंदों से हम लोग पास करते हैं, और फिर लास्ट के 2 फंदों को हम लोग नीचे गिराते हैं। तो इस तरीके से हम अपना पहला डबल ट्रिपल बना लेते हैं, और दूसरे डबल ट्रिपल को सेम इसी तरीके से बनाएंगे, फंदे के ऊपर धागे को 2 बार लपेटेंगे, और फिर इस स्पेस के अंदर जा करके धागे को हम लोग बाहर खींच लेंगे। टोटल 4 फंदे हमारे क्रोशे के ऊपर होंगे, पहले 2 फंदे, फिर 2 फंदे और फिर 2 फंदे। सेम यही प्रोसीजर हम लोग पूरे अपने इसमें जो हमारे 8 ये डबल ट्रिपल बनने हैं उसमें हम लोग रिपीट करेंगे। धागे को 2 बार अपने क्रोशे के ऊपर लपेट करके पहले दो इस तरीके से हम दो दो करके यहाँ पे 3 बार फंदों को नीचे गिराएंगे। ये देखिए टोटल मेरे पास 4 हमने यहाँ पे डबल ट्रिपल कर लिए हैं, बाकी के बचे हुए 4 double triple कंप्लीट करते हैं। ये पूरे 8 अपने डबल ट्रिपल करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे अपना एक
फुल डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, तीन बार लेकर के पहले दो और फिर बाद में दो, ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन जाएगा। इस सिंगल डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे अपना हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को क्रोशे के ऊपर लेंगे और धागे को स्पेस के अंदर से डाल के हम लोग बाहर निकालेंगे। अब हमारे क्रोशे के ऊपर टोटल तीन फंदे होंगे और इन तीनों फंदों को हम लोग इकट्ठे अपने क्रोशे से पास कर देंगे और इस तरीके से हमारा पहला पेटल बन के तैयार हो जाएगा। फिर बाद में ये जो आपको यहाँ पे दूसरा हमारा जो विंडो है यहाँ पे फाइव चेन स्पेस का, इसके अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम लोग एक स्लिप नॉट लगा लेंगे। और ये स्लिप नॉट लगाने के बाद अब हम अपने दूसरे पेटल की स्टार्टिंग करेंगे। तो दूसरे पेटल की स्टार्टिंग भी सेम इसी तरीके से करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग तीन चेन बनाएंगे। ये तीन चेन बनाने के बाद इस सेम फाइव चेन स्पेस के अंदर हम लोग वापस से अपना आठ डबल ट्रिपल करेंगे। दो बार अपने क्रोशे हुक के ऊपर अपने फंदों को लपेटेंगे, फिर धागे को क्रोशे को अपने स्पेस के अंदर डाल करके बाहर निकालेंगे। तो अब टोटल हमारे हुक के ऊपर चार फंदे होंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों फंदों को गिराएंगे, फिर दो फंदों को और फिर दो फंदों को। इस तरीके से हमारा पहला डबल ट्रिपल बन जाएगा और सेम इसी प्रोसीजर को रिपीट करके हम अपने बाकी के बचे हुए सात डबल ट्रिपल बना लेंगे। ये दो तीन आठ, ये देखिए मेरे टोटल आठ डबल ट्रिपल इसमें बन गए। इसके बाद में हम थोड़ा इनको एडजस्ट कर लेंगे और फिर बाद में हम लोग एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे नॉर्मल हमारा बनता है। धागे को क्रोशे के ऊपर लेके सेम स्पेस के अंदर डालेंगे, पहले दो फंदे फिर दो फंदे, और इसके बाद में हम लोग एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे अपनी। और फिर बाद में जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्पेस है, हमारा जो थर्ड स्पेस है, इस थर्ड स्पेस के अंदर क्रोशे हुक को ले जा करके हम लोग यहाँ पे स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर थ्री चेन करेंगे और अपना थर्ड पेटल भी हम लोग इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो आप ये पूरे पेटल कंप्लीट कीजिए और मैं आखिरी में आके आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। देखिए मैंने अपना लास्ट वाला पेटल भी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमने हाफ डबल क्रोशे किया है। अब देखिए इस फ्लावर को हम लोग एंड कैसे करेंगे। ये जो हमारा यहाँ पे आपको पेटल दिख रहा है, ये जो हमारे स्पेस है यहाँ पे, इस स्पेस के अंदर अपने क्रोशे हुक को डालेंगे हम लोग और यहाँ पे हम लोग एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंगल चेन करेंगे और उसके बाद में हम लोग अपने धागे को काट लेंगे। देखिए मेरा फ्लावर बन के तैयार हो गया है और ये जो हमारे बचा हुआ फ्लावर, इसका धागे का टेल है, इसको हम पीछे ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए मेरा पूरा फ्लावर बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो आप लोग इसको बनाइए, ये बहुत ही खूबसूरत होता है, किसी भी डेकोरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, और इसको यूज़ करके आप लोग ग्रैनी स्क्वायर भी बना सकते हैं। मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी कि किस तरीके से करते हैं। वो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे बने हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी क्रोशेटिंग।